उज्जैन के गीतानगर कॉलोनी में कल मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उज्जैन का मुसलमान भारत देश के दुश्मन पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाता है। तो मैं उज्जैन के मुसलमानों से ये पूछना चाहूंगा, आज भारत देश ने तुम्हें खाने को, पीने को, रहने को, राजनीति करने के लिए हर प्रकार की सुविधा दी है, फिर भी तुम तुम्हारे बाप को पाकिस्तान समझते हो? यानी जो तुम्हारा असली बाप तो तुम्हारा हिंदुस्तान है, और तुम नाजायज बाप को अपना बाप तुम लोग कह रहे हो, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें भारत से कुछ दुश्मनी है? क्या भारत से तुम्हें नफरत है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं उज्जैन की पुलिस से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत उन सारे के सारे लोगों को जिसने नारा दिया और जितने लोग उस नारे का समर्थन करे, सभी के ऊपर देशद्रोही केस बुक ना करके सारे के सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाकर छोड़ दे। इन हरामियों को अगर हम पाकिस्तान के बॉर्डर में ले जाकर छोड़ देंगे तो पाकिस्तान में भारत के मुसलमानों की क्या गति है हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता चलेगा। आपको पता है कि भारत का अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान में जाता है हमदर्दी अगर दिखाने के लिए, तो पाकिस्तान का मुसलमान मुजाहिर कहकर तुम्हें लात मार के तुम्हें दूर भगाता है और तुम्हें पानी भी पीने के लिए नहीं देता पाकिस्तान का मुसलमान। यह पाकिस्तान में तुम लोगों की गति है। आज भारत देश ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, नाम, शोहरत, इज्जत, खाना, रहना, पॉलिटिशियन, सब कुछ तुम्हें भारत देश ने दिया है। और भारत देश में रहकर भारत के दुश्मन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम लोग लगाते हो, ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ मुसलमान उस प्रकार की मेंटालिटी के लोग हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो भारत देश का समर्थन करते हैं। कई ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं, कई ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान भी दिए हैं। लेकिन ये कुछ हरामियों की वजह से सारे मुसलमानों के ऊपर उंगली उठती है। तो मैं देशभक्त मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे लोग विरोध ना करते हुए, अगर इनका विरोध अगर आप ही लोग करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा और देश में भी बहुत अच्छा एक अच्छा मैसेज जाएगा। साथ ही साथ ऐसे गद्दार मुसलमानों से हमेशा सावधान रहनी चाहिए जो देश में रहकर देश के खिलाफ सोच रखते हैं, क्योंकि अभी तालिबानी एक देश पर राज कर रहे हैं और तालिबानी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर भारत और इन तालिबानियों के बीच में अगर युद्ध हुआ तो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले गद्दार क्या भारत का समर्थन करेंगे या ऐसे तालिबानियों का समर्थन करेंगे? इनसे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी सोच रखने वाली कितनी बस्ती हैं, ऐसी सोच रखने वाले कितने क्षेत्र हैं और ऐसे सोच रखने वाले कितने व्यक्ति हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर निगाह रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक समय है, यानी 2 साल। ये 2 साल का जो समय है बहुत ही भयंकर रूप से वातावरण चेंज होने वाला समय है भारत देश का। तो ऐसे समय में ऐसे गद्दारों के ऊपर दृष्टि रखने की आवश्यकता है केंद्र सरकार पर।